इन तीन लोगों के बारे में अगर आप जानते हो ना तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर लेना इनकी। और भाईचारा में हमने अपने जीवन में हमेशा भाई चुना है। सीरियसली बता रहा हूँ भाई, तगड़े लगते दोनों साथ में। अब जो ट्रू फैन है ना उनकी तो आंखें नम हुई हुई होगी, बाकी जो भाई को अभी जानते ना उनकी भी आंखें नम होगी होगी भाई के अंदर। तो फाइनल में तो ये दोनों ही जाएंगे, अब जीतेगा कौन वो टाइम बताएगा। तो अभी आगे तो है, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी आप मेरी हालत देख ही रहे हो कि क्या शेविंग वेविंग बड़ी हुई है, बाल बाल बड़े हुए हैं। तो इनका भाई सबका रीजन देने वाला हूँ आप लोगों को। जैसा कि पता है कि जो मेरा चैनल है वहाँ 1.5 महीने से कोई वीडियो नहीं आई है, 1.5 महीने से वो सुन पड़ा है, ठीक है, एक भी वीडियो नहीं। बीच में एक मिनी व्लॉग जरूर डाला था, फिर उसका कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि भाई अभी आपको पता है कि हर स्टेट में ना रेड अलर्ट हो रखा है, कहीं बारिश आ रही तो कहीं बाढ़ आ रही है। हमारे स्टेट का भी वही हाल है भाई, यहाँ पे भी बारिश इतनी पड़ रही है ना तो लोगों का नुकसान भी हो रहा है, उसमें से हम भी एक है जहाँ हमारा भी नुकसान हुआ है। आपको पता है कि हमारी एक शॉप है स्वीट्स की, तो अभी हमारा इनकम सोर्स वही है तो वहाँ से ही अभी इनकम आ रही है। तो अगर वो बंद हो जाता ना तो भाई आप पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ हुई है, हमारा जो हमारी शॉप है वहाँ पे जो स्वीट्स पड़ी थी उनमें से कम 25% माल हमारा खराब हो गया। तो और है ना, एक तो ट्रैफिक भी नहीं क्योंकि यार बाढ़ और बारिश के चक्कर में कोई जाता भी नहीं कहीं घूमने करने, तो उससे अलग लॉस हो रहा है। तो भाई बहुत ये जो 1-1.5 महीना था ना मेरा, ये बहुत डिफिकल्ट निकला मेरे से क्योंकि भाई मैं मेरे पापा मेरा भाई हम सब उस शॉप पे ध्यान दे रहे हैं। तो पता है कि हमारी उस शॉप पे 2 दिन लगते हैं, जैसे अभी 4 बजे हम निकलेंगे तो अगले दिन हम 2 बजे घर आते हैं, तो ऐसे हमारे 2 दिन लग जाते हैं। जैसे अभी आधा दिन तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है, फिर उधर जाते हैं, फिर आधा दिन हम थके हुए आते हैं तो सोने करने में, खाना वाना खाने में, नहाने करने में निकल जाता है वो। तो भाई इस तरीके से अभी लाइफ चल रही है, तो कहीं मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ ना, व्लॉग बना पा रहा हूँ ना, मैं अपने चैनल पे ध्यान दे पा रहा हूँ क्योंकि भाई अभी इससे इनकम भी नहीं आ रही। अगर इससे इनकम आती ना तो मैं सोच सकता था कि नहीं यार अपने ये है तो इसे बंद नहीं होना, मतलब इसे रोकना नहीं, इसे चलने देना। अभी एडिटिंग का भी वक्त नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली अपन वापस आ चुके हैं। तो है ना, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपके स्टेट में भी यही हालत है ना भाई, बारिश वारिश है, तो भाई आप अपने घर में ही रहो, कहीं मत जाओ। हमारे हमारे इतने दिन के बाद आज धूप निकली है और थोड़ा मौसम सही हुआ है, 1-2 दिन हुआ है मौसम सही भी हुआ है, लेकिन हर जगह पानी भर रखा है तो बाहर जाना भी नहीं हो रहा है। अगर आपका हो रहा है ना तो भाई आपके आपके वहाँ बारिश हो रही है, अभी सुनने में आ रहा है गुजरात में बारिश हो रही है, सब जगह बारिश हो रही है, तो भाई बहुत लोग फंसे हुए भी है। मैं आपको अभी अभी की बात बता रहा हूँ, जो हमारे ब्यावर में 7 लोग घूमने गए थे हिमाचल प्रदेश, जिनमें से भाई बाढ़ में फंसने के कारण 4 लोगों की डेथ हो गई है और उनकी बॉडी भी बहुत मुश्किल से मिली है, और 3 लोग अभी भी लापता है। आप देख सकते हो, मैं पोस्टर लगा दूंगा, ये 3 लोग भाई अभी भी लापता है, इनका कोई अता पता नहीं है, इनकी फैमिली परेशान हो रही है। अगर आप लोगों को पता चले, अगर आप कोई भी ये वीडियो कहीं पर भी देख रहे हो हिमाचल प्रदेश में या 3 लोगों के बारे में अगर आप जानते हो ना तो प्लीज नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, इनकी फैमिली के ही नंबर है वो। और ना इसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो अभी कुछ दिनों के लिए भाई उसे टाल दो, बाद में चले जाना, क्योंकि भाई देखो ये जो भी चल रहा है ना माहौल भाई, ये बहुत बेकार है। मेरी फैमिली भी मुझे बाहर नहीं जाने दे रही, मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ना हमारे यहाँ पे गोरम घाट है वहां जाके आता हूँ, लेकिन वहां पे भी भाई सिचुएशन ऐसी है भाई, वहां पे भी बारिश हो रही है, पानी जमा हो रहा है, और लेकिन अपन है ना नई लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते आप, मतलब है ना। अगर आप ब्यावर में हो, ब्यावर में आपको पता है कि कहीं खड्डे हैं तो कहीं मतलब है ना कहाँ नाला है, क्या है, कहाँ कुआ है, और बारिश के अंदर आप पता भी नहीं लगा पाओगे कि कहाँ पे नाला है और कहाँ पे कुआ है, भाई पैर फिसला आप नीचे जाओगे सीधा। और ये अगर मैं गोरम घाट जाता हूँ, अगर वहां सिचुएशन होती तो वहां पे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे खड्डा है कहाँ पे, मतलब कि पानी के अंदर तो पता भी नहीं चलेगा भाई, अपन चलते रहेंगे और अपन फंस गए तो लफड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं जाने दिया। तो आप भी घर रहो, और ना अगर आपकी सिचुएशन है, आपको पता है कि नहीं यार मुझे जाना है, कुछ काम है, अर्जेंट काम है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो बोले आप रिस्क उठा सकते हो, बाकी तो घर में रहो, सेफ रहोगे। और है ना अभी अपन व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, मुझे बस इतने बताना था आप लोगों को कि अभी सिचुएशन सबकी ऐसी चल रही है, तो हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि अपने जितने भी बॉयज है उन सबका सच्चा प्यार तो भाई एक ही चीज होती है, वो होती है उनकी बाइक। मेरी बाइक भी यही है, हालांकि इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी ये जो मेरी बाइक है ना, जो अभी अपने न्यू फैमिली मेंबर जुड़े हैं उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि अपनी बाइक ये है। और है ना अभी भाई आप लोगों को पता होगा कि बारिश के अंदर है ना अधिकतर बाइक्स बंद हो जाती, मेरी बाइक भी अभी आपको पता है महीने भर से मेरा उस दुकान पर ध्यान था तो बाइक बंद हो गई है घर पे पड़े पड़े बारिश में भीगे भीगे, और ना नुकसान भी हुआ इसके अंदर। तो अभी मैं इसको दिखाने भी ले जाऊंगा, सर्विस भी करवानी है, सर्विस करवा दूंगा तो थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो मैं इस पे ना अपना लोगों को भी लगवाऊंगा क्योंकि अभी आपको पता है कि अपना चैनल थोड़ा बढ़ रहा है, अच्छा खासा सब्सक्राइबर आ रहे हैं, आप लोग जुड़ रहे हो हमसे, और ऐसे प्यार बनाए रखो ताकि एक मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं यार मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है।
मुझे नहीं पता कि ये ना कैसे क्या पसंद आ रही है, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आप लोगों को पसंद आ रही है मेरे लिए इतना ही काफी है। तो अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं, इसको सर्विस पे देने चलते हैं और मिलता हूँ मैं आपको इसको सर्विस पे देने के बाद। तो गाइस ये अपनी बाइक सीवी ट्रिगर और इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चलते चलते बंद हो रही है और प्लस इसका जो स्विच है ना ये काम नहीं कर रहा है, पीछे की लाइट भी काम नहीं कर रही है, ये वाली लाइट भी काम नहीं कर रही है, तो इसे भी दिखाना है। प्लस और तो कुछ दिक्कत नहीं है, सर्विस होगी, नॉर्मल ऑयल चेंज होगा बस, फिर तो अपनी गाड़ी फास्ट भागेगी। तो चलते हैं अभी देने इसे। Girl, you always solve problems, and you just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me breathe? Oh, I don't wanna let you in, but it's too late now. तो फाइनली फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ घर पे, गाड़ी सर्विस पे देके आ गया हूँ और वो अपन को कल मिलेगी। और मैंने कटिंग भी करवा ली है, शेविंग भी करवा ली है, क्योंकि भाई अभी एक महीने से जो बाबा बन के बैठा था तो अब थोड़ा लुक सही हुआ है मेरा। और आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा हो, सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। और है ना अभी आज मंडे है और अभी आपको पता है सावन चल रहा है, तो अभी फास्ट खोलते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ फास्ट खोलने के बाद। मैं अपना फास्ट खोल रहा हूँ, तो अभी मेरे पास है दाल फुल्का और मिर्ची है यहाँ पे। और है ना अभी मैं बिग बॉस OTT देखता देखता खोल रहा हूँ, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे आज इनके बारे में। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो हे गाइस मैंने फास्ट खोल लिया है, आपको पता है ना सावन चल रहा है तो हर सोमवार अभी बहुत लोग फास्ट रख रहे, तो अपना भी फास्ट था तो अभी खोला है मैंने। और है ना आपको पता होगा कि अभी है ना बिग बॉस OTT पूरे इंडिया में ऐसा फेमस हो रखा है ना कि जो बंदे बिग बॉस OTT नहीं देखते थे ना वो भी बिग बॉस OTT देख रहे हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ और शायद आप भी होंगे उनमें से। मैं बिग बॉस इतना नहीं देखता हूँ, मैंने कभी जिंदगी में सिर्फ एक सीजन देखा था जिसमें बॉस का रुबीना दिलेक वाला जिसमें वो विन हुई थी वो वाला देखा था, वो भी सब फैमिली देख रही थी इसलिए देख रहा था मैं, बाकी तो मैंने कोई भी बिग बॉस नहीं देखा। और ये जो बिग बॉस OTT है ना इसके बारे में तो मेरे को पता भी नहीं था, ये तो अभी ना वो पुणे सुपरस्टार का कुछ चल रहा था तो उस हिसाब से पता चला कि नहीं यार बिग बॉस OTT में दो यूट्यूबर आए। फिर फुकरा इंसान के लिए मैं दो एपिसोड देख लेता था, जो भी एपिसोड वो बन के आता था, लाइव मैंने नहीं देखा फुकरा इंसान के लिए। लेकिन जब से एलविश यादव आया ना भाई, तब से जितने भी इंडिया के लोग है ना उनकी नजर हटी नहीं रही है, जो एलविश यादव को पसंद कर रहे हैं वो, और प्लस अभी नए लोग और पसंद कर रहे हैं एलविश यादव को वो भाई। और वो जो इस तरीके से फेमस हुआ है एलविश यादव, सीरियसली बता रहा हूँ, अभी आप इंस्टाग्राम खोलो फेसबुक खोलो कुछ भी खोलो सिर्फ एलविश यादव की रील्स ही नजर आएगी आपको। देखो दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन भाई जब बिग बॉस में गए ना तब उनके फॉलोवर थे 6.4 मिलियन उस पे इंस्टाग्राम पे, और आज की तारीख में 11 मिलियन से ऊपर है। और अभी मैं आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखोगे ना, मैं भी आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है 2 मिनट। तो गाइस कनेक्ट हो गया, अब मैं जैसे ही इंस्टाग्राम चालू करूंगा ना देखो शादी करो सीधा भाई साहब वो है आप देखोगे ना इंस्टाग्राम पे जितने भी रील्स आई है ना भाई की ही रील्स है। और सीरियसली बता रहा हूँ अपन इनसे दिल से कनेक्टेड है, और ना मुझे पता है आप लोग भी दिल से कनेक्टेड हो आप एलविश यादव के। और आप जैसे ही रील्स चलाते जाओगे ना भाई, भाई की रील्स सबसे ज्यादा आएगी जैसे ही एलविश यादव के पास कब मेरे पास एलविश यादव कितना ट्रेंड में ना भाई लेकिन जितना भी जो भी बाहर चल रहा है ना उस हिसाब से मुझे लग रहा है एलविश यादव क्लियर विनर है। इस हिसाब से भाई को वोट मिल रहे हैं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि
खतरनाक वोट मिल रहे हैं। अगर सारे घर वाले एक साइड हो जाओ ना, फुकरा इंसान को छोड़ के अगर सारे घर वाले एक साइड हो जाओ ना, उनके वोट से बहुत गुना ज्यादा अखिलेश यादव को वोट मिल रहा है। और फुकरा इंसान की तो भाई बात ही अलग है, वो भी भाई एक ट्रेंडिंग है, उनके भी वोट बहुत तगड़े आ रहे हैं। और अभी आगे और देखो, ये देखो भाई, अभी भी हम देख सकते हो भाई के टशन। भाई को बिग बॉस ने बोला भाई अपना माइक पहन लो, लेकिन भाई ने माइक तो पहना नहीं, बिग बॉस को और उल्टा बोल रहे चुप हो जा। तो भाई ये किए भाई अलग ही भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, अगर लाइव में ना मैं लाइव देखता हूँ तो मेरे को किसी और को देखना नहीं होता, अखिलेश यादव को देखना होता है कि भाई आप अखिलेश यादव को चला दो, भले वो चुपचाप भी बैठे रहेंगे ना तो भी भाई हम देखने के लिए तैयार है। भाई वो अगर चुपचाप भी बैठे हुए अगर कैमरा उनकी तरफ होता ना, एक दिल को अलग ही सुकून मिलता है, नहीं यार भाई बैठे देखो आराम से। तो मैं आपको पता अपनी नाइट की शॉप है, तो मैं नाइट में भी उनको ऐसे देखता हूँ। नाइट में आपको पता होगा 3 बजे तक जगते हैं सारे के सारे, अपन को 3 बजे तक दिखाते हैं, मुझे उधर का टाइम पता नहीं है, 3 बजे तक लाइव दिखाते हैं और मैं 3 बजे तक इन्हीं को देखता रहता हूँ कि हाँ ठीक है अपने नाइट है, 3 बजे तक का टाइम निकल जाता है। फिर सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट कर लेता हूँ कि नहीं यार सुबह 9:30 बजे भाई उठने वाला है, तो ऐसा चलता है। मेहमानों के लिए जो भी सामान भेजा गया है आप घर वाले उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बिग बॉस। एक्टिविटी खतरनाक होती है, मतलब आप देखोगे ना कुछ ना कुछ छोटी से छोटी एक्टिविटी करते रहते हैं, तो इसलिए देखने में मजा आ रहा है। अभी भी एक कॉमेडी वे में देखो, कॉमेडी वे में भाई ने किया है कि थोड़ा सा निकाल के थोड़ा भाई खा गए फ्रिज में से। और हाँ यार देखो, जहां जहां कॉपीराइट लगने के चांसेस होंगे ना, मैं वहां पे रील्स की वॉइस कम कर दूंगा या हटा दूंगा, आप देख लेना। एक तो भाई ये यार सीरियसली बता रहा हूँ, जब भाई इमोशनल हुए ना, सी आंखें जो ट्रू फैन है ना उनकी तो आंखें नम हुई होगी, बाकी जो भाई को अभी जानते ना उनकी भी आंखें नम होगी होगी। भाई सीरियसली मम्मी किसको पसंद नहीं है, अब भाई तो उम्मीद में थे कि मेरी मम्मी आएगी। वो भाई को देखा आपने कितना एक्साइटेड थे कि दोनों है ना दरवाजे के पास बैठे थे, सबसे करीब है ना अपने अखिलेश यादव भाई बैठे थे, जैसे गाड़ी आती भाई बोलते भाई गाड़ी आ गई, अब कोई ना कोई आएगा, और तैयार हो जाते थे। और कोई भी मतलब आता था ना तो एक तो उनको खुशी भी होती थी चलो ठीक है इनकी फैमिली वाले आएंगे, लेकिन एक ना एक साइड में उनको ये लगता था कि यार मेरी फैमिली वाले कब आएंगे, क्योंकि उनको एक डर था कि यार मेरा वो वीडियो कॉल जो हुआ था उनका पिछले वीकेंड के बारे में कि वही तो नहीं था, मम्मी आएगी नहीं आएगी, लेकिन उनके 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 पापा आ गए थे। तो एक तो सीरियसली बहुत इमोशनल था ये वाला लाइव देखना मेरे लिए। और भाई एक तो हिंदू की अपनी ये पहचान होती है, आप मेरी भी ये आदत है, आपकी भी ये आदत होगी कि ना आप देखोगे कि अगर आपका गलती से कहीं पेड़ लग जाता ना, किसी को पेड़ लग जाता तो आप सीधा उनको ना धोख देते हो कि यार सॉरी, मतलब रियलाइज करते हो। वही बात है भाई, सारे हिंदुओं में ये खास बात होती है कि एक नेचुरल फीलिंग आती है कि नहीं यार लग गई गलती, मिस्टेक हो गई। तो भाई ने वहां दिखाया इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, और बहुत लोग होते हैं कि जो है ना ऐसा धक्का मुक्की कर देते हैं, तो समझ में नहीं आता लोग लड़कियों के साथ। आप पर दिए मैं कहता हूँ 27 दिन के बाद मैं यहाँ रहना नहीं चाहता था, आज ही शो खत्म होने वाला है। वो कैसे खत्म हो गया, इतने कूल नहीं थे क्यों, क्योंकि ये बंदा मेरे जब से आया मेरे को मैं इजीली रह रही यहाँ पर, तो मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। इन दोनों के लिए भाई जो बार तगड़ा ट्रेंड चल रहा है ना, बहुत लोग कंफ्यूज है कि हम किसे वोट करें किसे नहीं। भाई आप जिसे दिल से पसंद करते हो ना उसे वोट करो, मैं अखिलेश यादव को पसंद कर रहा हूँ मैं तो अखिलेश यादव को वोट करूंगा, फुकरा इंसान को भी पसंद करता हूँ, बट यार एक को सपोर्ट करना, क्योंकि आपको पता फाइनल में ये दोनों जाने वाले हैं। हाँ अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली गई होगी तो बिग बॉस के अंदर, तो फाइनल में तो ये दोनों ही जाएंगे, अब जीतेगा कौन वो टाइम बताएगा। तो अभी आगे देखते हैं। भाई एक तो है ना भाई बहुत इमोशनल हुए थे जब पापा आए थे, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पापा आएंगे, वो पापा कैमरे के सामने नहीं आते हैं उनके, तो इधर आए ना तो भाई बहुत इमोशनल हो गए थे, पापा आ गए चलो ठीक है। लेकिन यार एक बंदे में देखो आप मतलब डर था पापा से, थोड़ा बहुत तो डर था, भाई लाल हो गए थे उधर से कि कहीं शिकायत नहीं मिल जाए।
लेकिन भाई सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत खुश थे और इनको देख के अपन भी खुश होते हैं यार, इसलिए मैं बिग बॉस देखता हूँ। लाइफ में पता है कभी भी इतना अटैच मैं किसी के साथ नहीं हुआ जितना अटैच मैं भाई के साथ हूँ, और है ना इन फ्यूचर आई होप कि मैं इनसे मिल सकूँ और देखते हैं क्या होता है। इधर आप देख सकते हो, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मेरे को पता नहीं क्लियर दिख रहा है कि दिख रहा है, बट आप देख सकते हो जिया है ना उनके पैर को छूने की कोशिश करती है एलविश यादव को, एलविश यादव मना कर देते हैं, आपको पता है जिया ने उनके साथ क्या करा है, बट फिर भी भाई एलविश यादव के दिल में इतनी वो फीलिंग्स है ना कि वो पैर छूने तक नहीं दे रहे भाई, वो कुछ मजाक मस्ती कर रही थी बट उनको छूने भी नहीं दिया। तो एलविश यादव की कुछ छोटी छोटी बातें होती है, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी बातें जो नोट करने की, लेकिन कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग बातें होती है जो बहुत प्यारी भी लगती है, स्वीट भी लगती है और सीखने को मिलता है कुछ। एक बात बताता हूँ दिल से मजाक से, मान लो तूने यहाँ पे बहुत कुछ गलत करा, एक तरफा गलत करा, बट और कोई बोले ना बोले मैं बोलूंगा भाई ये चाहे जो भी करे मेरी तरफ से सही, ये मेरा ओपिनियन है, बेशक तू गलत कर बट हम ऑलवेज देयर गलत में भी, और मैं उसको दूसरे आदमी को और गलत बोलूंगा सारे कह रहे हैं भाईचारा भाई ऑन टॉप होता है भाई यार। भाई ने बोला ना कि अगर तू यहाँ गलत भी होगा ना कहीं पे भी, अगर कुछ भी होगा, अगर तू गलत भी होगा तो भी मैं तेरे सपोर्ट करूंगा। एक तो भाई की आदत बहुत प्यारी लगती है कि फ्रेंड्स भले कुछ भी हो, कर्ण की बात देखी ना अपने, कर्ण जैसे कर्ण करता है कि ना अपने क्या नाम होता है उसका, दुर्योधन है ना, दुर्योधन के साथ फ्रेंडशिप रखती है उसकी, लेकिन उसको पता है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड गलत है, लेकिन फिर भी भाई वो सपोर्ट करता है। यही था आज के लिए व्लॉग में, और मैं मेरे को नहीं पता कि मैं अभी क्या जवाब दूं, आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किसे सपोर्ट करते हो, एलविश यादव या फुकरा इंसान को, अदर को तो मेरे को नहीं पता कि अदर को आप लोग सपोर्ट कर भी रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग कर रहे होंगे 1% 2% कर रहे होंगे। मैंने देखा था कहीं एक वोटिंग हुई थी जहां पे ना 65% तो एलविश यादव के थे, बाकी फुकरा इंसान के थे और बाकी 1-2% ना भाई के मतलब अदर के थे, किसी को 0% भी मिल रहा था। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, और अभी मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ इंस्टाग्राम पे चैलेंजिंग वीडियोस, पिक्चर आपने सुना ही होगा 75 डेज के चैलेंज के बारे में, वो अपन भी करने वाले हैं। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया ना तो प्लीज कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।